पल पल दिल के पास इस नए पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अधूरा आप सबके बिन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पल पल दिल के पास इस पिक्चर रिलीज होने वाला है। इस पिक्चर का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। इस पिक्चर में आप सनी देओल के बेटे करण देओल को देख सकते हैं और नए चेहरे, नए हीरोइन है इसमें। इस पिक्चर में जैसे हीरो का नाम वही रखा गया है करण, और हीरोइन का नाम भी वही रखा गया है जो हीरोइन का नाम है। और ये पिक्चर दोनों के लिए नए पिक्चर है, पहला पिक्चर है। इस पिक्चर के डायरेक्टर खुद सनी देओल ही है, जो करण देओल के पिताजी सनी देओल काफी फेमस एक्टर है। और इनका होम प्रोडक्शन है, जैसा धर्मेंद्र के पोते हैं, इसके लिए पूरा पिक्चर होम प्रोडक्शन है। सब मिलकर इस पिक्चर को प्रोडक्शन कर चुके हैं, जबकि सनी देओल इसके पहले भी दो पिक्चर के डायरेक्टर रह चुके हैं। ये इनका तीसरा पिक्चर है जो अपने बेटे के ये पिक्चर को ये डायरेक्ट कर रहे हैं। और करण देओल खुद एक असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, ये इनका पहला पिक्चर है। बाकी पिक्चर के ट्रेलर में आप देख सकते हैं हीरो हीरोइन एक एडवेंचर दिखाया जाता है, हिमाचल प्रदेश दिखाया जाता है और थोड़ा लद्दाख के इलाके दिखाया जाता है। बाकी ट्रेलर तो अच्छा है। और करण देओल भी बिल्कुल अपने पिताजी की तरह एक एक्शन और एक उनके पिताजी की तरह चिल्लाते चीखते हुए इस ट्रेलर में आप देख सकते हैं। बाकी ठीक है, पिक्चर का ट्रेलर तो काफी अच्छा है। देखते हैं पिक्चर जब रिलीज होगी तो पता चलेगा कि पिक्चर कैसा है। पिक्चर थोड़ा एक्शन, थोड़ा एडवेंचरस, एक एडवेंचर गाइड की तरह दिखाई देते हैं जो हीरोइन को गाइड करते हैं। फिर धीरे धीरे उनको दोस्ती होती है, फिर दोस्ती में फिर प्यार हो जाता है और थोड़ा एक्शन, थोड़ा एडवेंचरस चलता है। पिक्चर तो ठीक है, पिक्चर का ट्रेलर तो ठीक है। अब पिक्चर देखना पड़ेगा, जब थिएटर में रिलीज होगा पता चलेगा कि पिक्चर कैसा है। बाकी सनी देओल ने डायरेक्ट किया है तो पिक्चर तो थोड़ा अच्छा ही होगा, क्योंकि इसके पहले दो पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। तो देखते हैं ये पिक्चर थिएटर में कैसे कलेक्शन करती है और कैसे अपना कलेक्शन बढ़ाती है और कैसे पिक्चर हिट हो पाती है। और बाकी सनी देओल ने सोच के अपने बेटे का नाम इस पिक्चर में अपना ओरिजिनल नाम ही रखा है, ताकि अगले पिक्चर आने तक इन लोगों के दिलों दिमाग में उनके बेटे का नाम तो रहेगा, इस तरह उनके बेटे जाने जाएंगे उसी नाम से ही। बाकी देखते हैं क्या होता है जब पिक्चर थिएटर में रिलीज होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरा चैनल सत्या व्यू बाय रिव्यू को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मेरे सत्या बाय रिव्यू को चैनल को जरूर देखिएगा और आपका कमेंट जरूर मुझे जरूर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। और तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।